दोस्तों, अगर आप कोई फैमपे का नया अकाउंट बनाते समय या दोस्तों यहाँ पर केवाईसी करते समय आप लोग को 99 रुपया का पैसा पे करने को बोला जाता है, तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोग को बताऊंगा कि इस चार्जेस से आप लोग दोस्तों कैसे बच सकते हैं और फ्री में दोस्तों अकाउंट या केवाईसी कैसे बना सकते हैं। काफ़ी सालों को दोस्तों यहाँ पर यह समस्या आ रहा था, तो इस वीडियो में दोस्तों मैं इसका समाधान लेकर आया हूँ। आप लोग दोस्तों इसको मिनटों में ठीक कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर फ्री में अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोग को बताता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मैंने दोस्तों यहाँ पर आधार कार्ड अपना वेरीफाई कर लिया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मुझसे यहाँ पर 99 रुपये का चार्जेस मांगा जा रहा था, तभी दोस्तों यहाँ पर मेरा अकाउंट खुलेगा। तो यहाँ पर मैंने इस चार्जेस से कैसे बचा दोस्तों मैं आप लोग को बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को पहले यहाँ पर जिस भी नंबर से आप लोगों ने केवाईसी किया था वो नंबर को दोस्तों आप लोग को छोड़ देना है। देन दोस्तों यहाँ पर एक नया नंबर आप सभी को लेना है, वो नंबर से दोस्तों आप लोग को केवाईसी करना है। कि यहाँ पर दोस्तों फ्रेंड या दोस्तों फैमिली का आधार कार्ड पिन कर लेना है, जिसका दोस्तों 18 साल प्लस हो उसके नाम से दोस्तों आप लोग को यहाँ पर अकाउंट बनाना है। बनाने के बाद दोस्तों आप लोग को यहाँ पर अकाउंट पूरी तरीके से क्रिएट हो जाएगा। इसमें दोस्तों आप लोग कोई भी चार्जेस नहीं मांगा जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप लोग श्योर कर लेना है कि यहाँ पर दोस्तों 18 साल प्लस होना चाहिए। जिसका भी दोस्तों आप लोग यहाँ पर आधार कार्ड पिन कार्ड लेके अकाउंट बनाएंगे दोस्तों उनका 18 साल प्लस होना चाहिए, तभी दोस्तों आप लोग को इसमें चार्जेस नहीं मांगेगा और आप लोग दोस्तों फ्री में यहाँ पर अपना अकाउंट बना सकते हैं। दोस्तों यही एक तरीका है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को पहले तो डिजी लॉकर से अपना पिन कार्ड आधार कार्ड लिंक कर लेना है। तो लिंक करने के लिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले पूरी तरीके से आप सभी को बैक कर लेना होगा। बैक करने के बाद दोस्तों आप सभी को यहाँ पर डिजी लॉकर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना होगा। दोस्तों मैंने पहले से डिजी लॉकर को यहाँ पर इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं डिजी लॉकर एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर दोस्तों मेरा लोडिंग हो रहा था, यहाँ पर दोस्तों मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। वेट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप सभी देख सकते हैं आधार कार्ड पेन कार्ड यहाँ पर लिंक करने का आ रहा है। तो आप सभी को दोस्तों यहाँ पर डिजी लॉकर में पहले अपना आधार कार्ड पेन कार्ड लिंक कर लेना है। लिंक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर केवाईसी कर लेना होगा फैमपे का, और दोस्तों 18 साल प्लस होना चाहिए। मैं फिर से दोस्तों आप लोग को बता दे रहा हूँ, 18 साल प्लस यहाँ पर पेन कार्ड आधार कार्ड दोनों में होना चाहिए। और दोस्तों आप लोग आसानी से अपना फैमपे में अकाउंट बना सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर आप लोग को कोई भी चार्जेस पे करने का जरूरत नहीं रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों एक सब्सक्राइब जरूर कर दें।